अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज जिस फ़ोन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो लेटेस्ट स्मार्टफोन भी बोल सकते हो, फ्लैगशिप डिवाइस भी बोल सकते हो, और एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस तो वो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसका जो डिज़ाइन है वो मैं समझता हूँ आज के टाइम पर ना 3.5 से 4 लाख वाले स्मार्टफोन से मिलता जुलता है। आप समझ तो गए होगे, मैं बात कर रहा हूँ टेक्नो स्पार्क 10 प्रो की। ये वो स्मार्टफोन है जो कि कुछ दिन पहले, कुछ एक आध महीना हुआ है थिंक, जो कि लॉन्च हुआ है, थोड़े दिन ही हुए हैं। और आईफोन 13 प्रो 14 प्रो मैक्स से मिलता जुलता इसका डिज़ाइन है, तीन कैमरा वाला। क्योंकि पता है आपको, हर कोई चाहता है हमें तीन कैमरा वाला डिज़ाइन मिल जाए, वो भी कम बजट में। तो भाई टेक्नो ने बोला आपकी ख्वाहिश हम पूरी करेंगे आज, तो लेकर आ चुका है टेक्नो का टेक्नो स्पार्क 10 प्रो, जिसको आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। ये सिर्फ अपने डिज़ाइन को ही जस्टिफाई नहीं करता अपनी प्रेजेंटेशन से, बल्कि अपनी स्पेसिफिकेशन, अपनी परफॉर्मेंस, अपने कैमरा, सारी चीज़ों को बेहतरीन निकाल कर देता है ये स्मार्टफोन अपनी प्रेजेंस के अंदर। आए चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं इसका रिव्यू करता हूँ और देखो इस वीडियो के एंड तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना शुरू करते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन की इनहैंड फील्ड बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो यार बैक जाहिर सी बात है प्लास्टिक की हो गई, 45,000 में एलुमिनियम का फ्रेम थोड़ी मिलेगा आप लोगों को, नहीं मेटल का मिलेगा, बैक प्लास्टिक की है। बैक के जो कैमरा बम का डिज़ाइन है वो आज के टाइम पर लेटेस्ट स्मार्टफोन से मिलता जुलता है, जिसकी वजह से ये स्मार्टफोन थोड़ा सा ज़्यादा सेल होने वाला है मुझे ऐसा लगता है। बाकी इस स्मार्टफोन की प्राइस की बात करूँ तो 44,000 इसकी ऑफिशियल प्राइस रेंज के हिसाब से लॉन्च होता है, जब ये लॉन्च होता है थोड़े दिन पहले। अब करंट मार्केट की प्राइस क्या है भाई, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ तो पल पल में चीज़ें बदलती हैं, डॉलरों के रेट बढ़ते हैं, पेट्रोल की प्राइसेस मिनट मिनट में बढ़ती हैं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता भाई इसकी प्राइसेस अभी करंटली क्या चल रही होगी, 45 चल के आसपास होगी। बाकी ये स्मार्टफोन 3 वेरिएंट के साथ पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर लॉन्च हुए, 4 GB रैम, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज, 8 GB की रैम, 128 GB और 8 GB रैम, 256 GB UFS आई थिंक स्टोरेज है, कौन सी है, 3.1 है 3.0 है मुझे याद नहीं आ रहा। बाकी स्टोरेज मल्टीटास्किंग काफ़ी अच्छे कर लेता है ये स्मार्टफोन, सारी चीज़ों को मैंने अच्छा कर लेता है, एकदम बेहतरीन फ़ोन है। इनहैंड फील्ड काफ़ी कमाल की, क्योंकि 6.8 इंच का एक IPS पैनल है, 90Hz का रिफ्रेश रेट भी है, फुल HD की रेजोल्यूशन है, फ्रंट पर पंच होल है, 32 MP की सेल्फी है उस पंच होल के अंदर। और ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 13 के साथ पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा दराज पे, अलीबाबा पे और फ्लिपकार्ट पे भी आई थिंक मिल जाएगा, बाकी आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो अगर आप आजकल की जो गर्मी है ना उनको झेल नहीं सकते हो, कराची की जो गर्मी आप लोगों को पता ही होगी भाई, अगर आप उससे बचना चाहते हो घर बैठे आराम से AC वाले रूम में ऑर्डर करो, 1-2 दिन में आ जाएगा। खैर भाई ये स्मार्टफोन काफ़ी कमाल की एक डिस्प्ले है, 90Hz का रिफ्रेश रेट होने की वजह से इस स्मार्टफोन के अंदर जो रिस्पॉन्स है स्मार्टफोन का डिस्प्ले का वो मुझे लगता है काफ़ी एक अच्छा होने वाला है। बाकी देखो एक IPS पैनल है तो इतना ज़्यादा अच्छे कलर्स निकाल कर देगा, बाकी बेहतरीन कलर्स, एक अपनी प्रेजेंस के हिसाब से बेहतरीन डिस्प्ले है। अगर AMOLED डिस्प्ले डालते या फिर OLED पैनल डाल देते तो और अच्छी बात होती, बट इस प्राइस रेंज में भाई आजकल की इतनी महंगाई तो IPS ही आता है। उन्होंने बोला, टेक्नो वाले ने बोला भाई IPS हम डाल सकते हैं, AMOLED अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने आईफोन बोल रहा हूँ IPS LCD पैनल डाल दिया। बाकी काफ़ी अच्छी होने वाली है सारी चीज़ें, कॉन्स्टैक वगैरह, शार्पनेस, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन है, कैमराज भी काफ़ी अच्छे, आगे चल के बात करते हैं। जहाँ तक इसके परफॉर्मेंस की बात है तो यार MediaTek का Helio G88 वाला पावरफुल भी है, पावर एफिशिएंट प्रोसेसर भी लगा हुआ है, ऑप्टिमाइज काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ हुआ है। यार PUBG में कितने FPS प्रोवाइड करता है यार मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक 40 या 60 FPS प्रोवाइड करता है, आई थिंक 60 है। और जायरो जो है वो हार्डवेयर वाला जायरो की जो कनेक्टिविटी है काफ़ी अच्छी है, हीटअप थोड़ा बहुत कर लेता है क्योंकि नया फ़ोन है, लेटेस्ट स्मार्टफोन जो होता है इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस में स्ट्रगल करता हुआ नज़र नहीं आएगा आपको। जब होंगे ना 2-3 साल तो टेक्नो के रंग चेंज करना स्टार्ट करेगा फ़ोन, अपनी असलियत दिखाना स्टार्ट करेगा, हैंग करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि एंड्रॉयड के फ़ोन भाई 2-3 साल बाद हैंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी ये स्मार्टफोन बेहतरीन है, गेमिंग के लिए भी बेहतरीन है, ऑप्टिमाइज काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ हुआ है, जायरो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, पबजी में काफ़ी अच्छा चले जाता है, इधर उधर घुमा लो बंदे को, फायर कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है और सही बेहतरीन ठोक ठोक के मारते हैं, मेरा दिल चाहता है मारते ही रहूँ बस। बाकी ओवरऑल सारी चीज़ें काफ़ी कमाल की हैं भाई। बैक कैमराज की बात करूँ तो भाई बैक पर देखने में ऐसा लग रहा है कि ट्रिपल कैमराज का सेटअप है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, बैक पर डुअल कैमराज का सेटअप है जो कि 50 MP का और 0.08 MP का एक डेप्थ सेंसर है। इस स्मार्टफोन में आप बैक से 1440p में 30 FPS पर और 1080p 30 FPS पर शूट कर सकते हो। AIS का सपोर्ट है आई थिंक, है शायद, या फिर मुझे याद नहीं आ रहा, बाकी आप लोग चेक कर लेना।
बाकी बेहतरीन कैमराज हैं, एक नेचुरल फ़ोटो रखता है, इतना ज़्यादा एक्सपोजर काफ़ी एक ठीक ठाक अपलोड कर लेता है, ठीक ठाक कंट्रोल कर लेता है, अपलोड बोल रहा हूँ मैं, कंट्रोल एक अच्छा कर लेता है। थोड़ा बहुत कभी ना कभी स्ट्रगल करता है, पोर्ट्रेट भी एक थोड़े बहुत अच्छे हैं बस नॉर्मल अपनी प्रेजेंस के साथ। वही 45,000 में आई क्या रहा यार आज के टाइम पर, शुक्र करो ये भी टेक्नो ने लॉन्च कर दिया, हम पे मेहरबानी कर दी। बाकी फ्रंट से भी 1440p में, 1080p में, 30fps में वीडियो को शूट करता है, फ्रंट से और बैक से एक ही क्वालिटी है दोनों स्मार्टफोन के कैमरास की, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। जहाँ तक लगी इसकी बैटरी की बात तो 5000mAh की बैटरी है, 18W की फास्ट चार्जिंग है, लाइक तकरीबन ढाई घंटे के आसपास स्मार्टफोन आपका फुल चार्ज होगा, 2 से 2.5 घंटे के आसपास। और नया फ़ोन है तो तकरीबन 2 दिन तो आराम से बैकअप देगा ये नॉर्मल यूज़ पर, क्योंकि भाई नए फ़ोन तो मैं भी यूज़ करता हूँ आजकल, तो नॉर्मल यूज़ पर ये आराम से 2 दिन निकाल लेगा, हैवी यूज़ पर 1 दिन 1.5 दिन तकरीबन निकाल ही लेगा, ये आपके यूज़ पर डिपेंड करता है। गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हो तो 1 दिन तो आराम से निकाल ही लेगा, फुल ऑन टाइम गेमिंग बेहतरीन करता है। बाकी इस स्मार्टफोन के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, चलो अच्छी बात है, काफ़ी 45,000 में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया तो इन डिस्प्ले दे देता और अच्छी बात होती, और एमोलेड डिस्प्ले डाल देता तो एक ऑल ओवर डिवाइस बन जाती। वैसे अभी अपनी प्रेजेंस के हिसाब से एक बेहतरीन डिवाइस है भाई हल्के में रहना डिवाइस को, तो अगर आप एक नए लेटेस्ट स्मार्टफोन के बजट के अंदर आने वाले स्मार्टफोन, बेहतरीन परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन को देख रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इसकी तरफ देख सकते हो, शो ऑफ भी कर सकते हो भाई, कवर चढ़ाना बोलना iPhone 13 iPhone 14 है। खैर मजाक कर रहा हूँ, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जैसे ऐसी कोई नई वीडियो आए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिया करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं बोलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।